नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IQ डेवलपर, जहां होती है ज्ञान की बातें। आज जो हम लोग टॉपिक चूज करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे क्या होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्या होता है कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, तीन चारों के बारे में बहुत आसान शब्दों में हम बात करेंगे। और साथ में अगले एपिसोड में हम देखेंगे कौन सी होती है लेफ्ट लीनिंग पार्टी, कौन सी होती है राइट लीनिंग पार्टी, जो नॉर्मली आपको न्यूज़पेपर्स में या मीडियास में आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है और आपको शायद उनके मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये टोटल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्या इंडिया में रहा है और कैसा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम सबसे पहले शुरू करने की बात करते हैं तो सबसे पहले का जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट। पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये कोई कॉन्सेप्ट किसी ने डेवलप नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अपने आप डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हो गया, एक राजा था, राजा के ने अपने एरिया को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बांटा, जिनको जिनके मालिक को लॉर्ड्स कहा जाता था। लॉर्ड्स अपने अंडर में वर्कर्स रखा करते थे या गांव के लोग थे जो लॉर्ड्स के अंडर में काम करते थे, वो उसके बदले में खेती करते थे और खेती करके जो अनाज या जो भी उत्पादन होता था वो लॉर्ड्स को देते थे। उसके बदले में लॉर्ड्स उनकी हिफाजत और उनके अन्य जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी लेता था। अब यहीं से कैपिटलिज्म का जन्म होता है। कैपिटलिज्म फिर धीरे धीरे क्या, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन के आती हैं बहुत ढेर सारी, और फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, और फिर फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं तो उनके वर्कर भी आते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ मेनली बड़े शहरों में बनती हैं, इसलिए वर्करों को छोटे छोटे एरिया से मूव करके उन बड़े शहरों में आना पड़ता है। वो फैक्ट्रियों के आसपास रहते हैं, काफ़ी जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उस कंपटीशन में उनको करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। वर्कर्स की सेहत के बारे में, उनकी किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनके वेजेस बहुत कम हुआ करते थे और सबका ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए बहुत ही ख़राब जिंदगी उसमें जीनी पड़ती है वर्कर्स को। हद तो तब हो जाती है जब वर्कर्स के साथ साथ उनके परिवार के बच्चों और वाइफ यानी औरतों तक को भी उस फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, जिसकी कोई हाइजीन और कोई भी वेजेस एक्ट या किसी भी तरह का सुविधा मुहैया उन्हें नहीं करते। ज़्यादा काम करो लेकिन आपको तनख्वाह उतनी ही मिलेगी जितनी आपको कम तनख्वाह पे मिलती थी। जो प्रॉफिट होता था सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट लेके जाते थे, यानी ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा होगा वो कैपिटलिस्ट होगा, आपको कम में जितना आप कम में करते थे उतना ही आपको करना पड़ेगा। ये था इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि वर्कर्स के अंदर में कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि उनको ज़्यादा काम करना, वो बाय प्रेशर जो मिल मालिक होते हैं उनके प्रेशर से या उनके डर से ज़्यादा काम करते थे। तो उनके अंदर अपने जो अंदर से कॉन्शियस आता है कि भाई हमें ज़्यादा काम करना क्योंकि हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो नहीं आ पाता था यहाँ पर। इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लेके आया जिसे कि कम्युनिज्म कहा गया। अच्छा, कम्युनिज्म की शुरुआत वो आती है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स रहने वाले तो जर्मनी थे लेकिन उन्होंने अपना जो मेजर समय था वो लंदन में बिताया। इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे फ्रेडरिक ईगल, और जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो दो किताबों के माध्यम से सामने आता है। एक जो किताब थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी जो थी द कैपिटल। इन दो कैपिटल में कम्युनिस्ट कम्युनिज्म क्या होता है, कार्ल मार्क्स का क्या विचार है, वो पूरा साफ सामने। अच्छा, जो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत डेवलप किया कम्युनिज्म का उसके अनुसार साफ और सीधे शब्दों में देखे तो उन्होंने कहा एक ऐसी सोसाइटी होगी जो खुद अपने लिए ज़रूरत का सामान प्रोड्यूस करेगी और वो उन सामानों का और उनके जो सोर्स है उसका खुद मालूम होगी और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद उनको अपने लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो कम्युनिज्म जो बात करता है एक ऐसी सोसाइटी की जो कास्टलेस है, जिसमें न कोई अमीर हो न गरीब हो, स्टेटसलेस हो, स्टेटस नहीं हो किसी का, सोसाइटी की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही देखने में और सुनने में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इसके बाद आता है लेनिन, और लेनिन ने मार्क्स के कम्युनिज्म तो एक्सेप्ट किया लेकिन उसमें थोड़े से बदलाव करने के बाद। जो सबसे बड़ा बदलाव लेनिन के कम्युनिज्म में है वो ये कहते हैं कि सोसाइटी यहाँ नहीं करेगी, यहाँ पर एक ऐसी पार्टी होगी जो वेनगार्ड, जिसे कहा उन्होंने वेनगार्ड, एक पार्टी होगी जो सोसाइटी की हितों की रक्षा करने के लिए होगी और वो सोसाइटी को जो प्रोड्यूस करती है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो वेनगार्ड पार्टी करेगी। इसका आपको सीधा दिखाई दे सकता है रशिया में जो गवर्नमेंट है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है उसे वेनगार्ड पार्टी कहते हैं। उसी तरह चाइना में एक सिंगल पार्टी है, नॉर्थ कोरिया वहाँ कम्युनिज्म है वहाँ भी सिंगल पार्टी है। तो आप ये लेनिन मार्क्स
को आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, लेनिन ने जब रूस की क्रांति हुई थी उसमें बहुत बड़े जनक थे और रूस की क्रांति के सबसे बड़े स्टार्टर यही रहे हैं। तो इनका कहना था हमको किसी भी तरह से क्रांति लानी है और बदलाव करना है। जार का शासन था रशिया में उस समय और बदलाव लेके आना है हमें। तो वो बैंक लूटने से, मर्डर करने से और किसी भी चीज़ से परहेज नहीं करते थे वो। इवन लेनिन के अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ तो वो उसको उन्होंने मार दिया। ये था डार्कर साइड है लेनिन का, जो अच्छी चीज़ें हैं। तो किसी भी महापुरुष को आप दो नज़रिए से देख सकते हैं, एक उसका डार्कर साइड होता है और दूसरा आप जो एक ब्राइटर साइड होता है। हिस्ट्री मोस्टली जो बात करता है अगर वो सक्सेसफुल है तो उसकी ब्राइटर साइड की बात करता है। डार्कर साइड को थोड़ा दबा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी देश का पॉलिटिशियन हो के। अब बात करते हैं कि चाइना में जो आया है कम्युनिज्म वो आया है माओ ज़ेडोंग से। माओ ज़ेडोंग का एक फेमस पॉलिटिकल कोट था, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ ए गन, यानी कि बंदूक से जो ताकत होती है वही ताकत मिलती है। और इस विचारधारा को ही बता सकते हैं कि अब वो क्या सोचते थे और कैसे वो करते थे। माओ ज़ेडोंग को जो कम्युनिज्म था वो थोड़ा डिफर था लेनिन से और मार्क्स से। वो बात करते थे कि समाज के जितने लोग हैं उनको कम्युनिस्ट में जोड़ा जाए, उनको कम्युनिज्म में जोड़ा जाए। जबकि जो कार्ल मार्क्स थे वो बात करते थे वर्कर्स के, क्योंकि वहाँ पर वर्कर ज़्यादा थे। हालांकि चाइना में वर्कर ज़्यादा नहीं थे, चाइना में जो फार्मर थे वो ज़्यादा थे, इसीलिए उन्होंने पूरी सोसाइटी को जोड़ने की बात की। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये हम देखते हैं तो माओइस्ट या माओवादी जो आज हमें दिखाई पड़ते हैं वो माओ ज़ेडोंग की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, यानी पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन। अच्छा, कम्युनिज्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि कम्युनिस्टों में जब भी वो शासन में आए हैं, पावर में आए हैं, तो उन्होंने अपोजिशन को एकदम क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आप एक फेमस कोट यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो कम्युनिज्म इज ए नॉट लव, कम्युनिज्म इज ए हैमर विच वी यूज टू क्रश द एनिमी। इसमें आप चाहे आप माओ ज़ेडोंग को ले लो, चाहे आप लेनिन को ले लो, चाहे आप स्टालिन को ले लो, सबने उसको पूरे ख़त्म करने की ही कोशिश कर दी। अब बात करते हैं जो एक सोशलिज्म टर्म आता है। सोशलिज्म जो टर्म है वो एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है, बड़ा टर्म है, और इसी के अंदर में कम्युनिज्म एक पार्ट है। कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में बात करते हैं सोसाइटी एक प्रोड्यूस करेगी चीज़ों को, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करती कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हालांकि कम्युनिज्म बात करता है कि कैसे उस चीज़ों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सोसाइटी को दिया जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस यही है थोड़ा सा, बाकी सोशलिज्म के अंडर में ही कम्युनिज्म आता है। यानी कि जितने भी कम्युनिस्ट हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो सोशलिस्ट हैं, लेकिन जितने भी सोशलिस्ट हैं वो कम्युनिस्ट हैं ये आप नहीं कह सकते हैं। जो आखिरी टर्मोलॉजी इसमें आती है फैसिज्म की या फैसिस्ट की, तो उसमें आपको नेशनलिज्म और आपको प्रमोट करना है, अथॉरिटेरियन प्रमोट करना है, वो किसी भी कीमत में उनको प्रमोट करना है, चाहे लोगों को मारना पड़े, चाहे वो डिक्टेटरशिप करना पड़े, वो करना होता है। लोगों की एक राष्ट्र भावना जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है कि इवन वो किसी को मारने के लिए और के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो जो फैसिज्म आता है जिसका फॉलो आपने हिटलर में देखा था, यह डिक्टेटरशिप का। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो सारे सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी सिस्टम इसमें परफेक्ट नहीं, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म फैसिज्म है, कोई भी फर्क नहीं है। और कोई भी सोसाइटी टोटली 100% इनमें से कोई नहीं है। आप रशिया की ही बात कर ले तो 100% वो भी कम्युनिज्म नहीं है, वहाँ भी कम्युनिज्म जब तक था तब तक वहाँ पर रशिया का USSR टूट गया और कई कंट्रीज से अलग हो गए। अल्टीमेटली उनको थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर्स को लाना पड़ा। उसी तरह चाइना में भी देख ले, चाइना में भी मिक्स इकोनॉमी, कम्युनिस्ट हैं वहाँ पर लेकिन वहाँ पर मिक्स हो गए। इंडिया में बात कर लें तो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी वहाँ पर पॉलिटिक्स में होता है। तो अब सबसे कम्युनिस्ट की बात करें तो कम्युनिस्टों में सोशल वेलफेयर स्कीम बहुत ज़्यादा चलती है, तो इंडिया में भी सोशल वेलफेयर स्कीम भी चलती है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा भी दिया जाता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी इंडिया है, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी भी इंडिया है, दोनों ही है, एक मिक्स इकोनॉमी इंडिया की चलती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टॉपिक और क्या लगता है क्या इम्प्रूवमेंट किया सकता है? और अगले हम टॉपिक जो उठाने वाले हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है, कौन सी पार्टी लेफ्ट विंग की पार्टी होती है, कौन सी राइट विंग की पार्टी होती है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम टोटली बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर ले और हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।